हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे Day 22 का लेक्चर IBPS RRBPO क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपलीफिकेशन से क्या कह रहा है, 25% निकालना है, 400 का कितना हो जाएगा 100। 100 में से माइनस क्या करोगे, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 इंटू 3 48, क्या आएगा माइनस करके 52, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इसके बाद में 15% निकालना है मुझे 240 का, पहले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 30, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 120, यानी ये कितना आ गया 36, 36 आ गया। अब 36 में क्या ऐड करोगे, 96 ऐड करोगे। अब यहाँ पे 4 भी दिया हुआ है तो कट कर दो, क्या आ गया, ये 24 आ गया, ये आ गया 9 आ गया, ऐड करोगे तो 33 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में क्या करें, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 11 का स्क्वायर 121, माइनस जो क्वेश्चन मार्क है वो इधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो क्या आ गया, एक्स आ गया। 12.5% निकालना है 1200 का, 12.5% होता है 1/8, 1/8 हमने निकालना है 1200 का, 1200 का हाफ करोगे 600, फिर हाफ करोगे 300, फिर हाफ करोगे तो 150, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -150, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 271, और 512 में से 271 माइनस करो, ठीक है। अगर मैं 271 माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से मन क्या 1 आ गया, 51 में से 27 क्या तो आएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। 40% निकालना है 5000 का कितना हो जाएगा 2000, माइनस 1% ऑफ 2400, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या आएगा एक्स परसेंट ऑफ 2400, बाकी जो वैल्यू है वो इधर ले आओ। क्या लिखा था, 2 का क्यूब 8 आ गया, ये आ गया 800, 2000 में से 800 गया कितना हो गया 1200, 1200 को अगर डिवाइड करूंगा मैं 2400 से इंटू 100, ये कट के 2 हो गया, ऊपर कट करके क्या आएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। अब क्या कह रहे हैं, 8 का क्यूब कितना आ गया 512, प्लस में क्या 121, उसके प्लस में क्या 5 की पावर 4, यानी 625, ऐड कर दो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 और 2 4, 4 और 1 7, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 12, यानी कि 1258, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब 6 इंटू 15 कितना आ गया 90, 90 को 9 से कट करोगे क्या आएगा 10, 10 में क्या ऐड करोगे 5 इंटू 7 35, यानी ये क्या आ गया 45, 45 इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब 2/3, अच्छा इसको इंटर रूट निकालोगे क्या आएगा 35 आएगा, सॉरी 45 आएगा, 2/3 निकालना 45 का, 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 इंटू 2 क्या आएगा 30, क्लियर है। देन 561 अपॉन 121 का इंटर रूट क्या आएगा 11, यानी कट करोगे क्या आएगा 51 आएगा, यानी कि 30 प्लस 51, यानी 81 आ गया, 81 का अंडर रूट 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। अब क्या कह रहा है, ये हो गया 20 इंटू 21, ठीक है, 20 इंटू 21 क्या आएगा 420, देन डिवाइड में 144 145 का अंडर रूट, यानी कि 144 का अंडर रूट जो क्या आएगा 12, 12 से अगर मैं कट करूं, पहले अगर 3 से कट करूं तो क्या आएगा 140, 3 इंटू 14 होता है ये, ठीक है, देन 3 से कट कर दिया तो 4 से कट कर दो, यानी कि ये आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके 35 आएगा, 35 माइनस 2 का क्यूब कितना आ गया 8, यानी आ गया 27, 27 का क्यूब रूट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क का पावर क्यूब है, तो इधर आ गया क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि 37 का 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। देन क्या कह रहा है, 135/13, अच्छा 135/13, ये तो वैल्यू जाएगी नहीं, तो सीधा से अप्रोक्सीमेट डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, या फिर ऐसा करो अभी डिवाइड मत ही करो, अभी ऐसा ही लिख दो 135/13 इंटू में क्या है 117/9, अब ये वैल्यू कटेगी, ये वाली वैल्यू जो 13 वाली है वो सीधा यहाँ पे कटेगी 9 पे, तो ये वैल्यू सीधा यहाँ पे कट जाएगी 99, तो क्या बचा 135 बच गया, ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 21 इंटू 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 1 का 15, 15 2 30, 30 1 31, यानी 315 आ जाएगा,
माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब क्या कह रहा है, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 630 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 502। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे। अरिथमेटिक में क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, द एज ऑफ इजाबेल इज 150% ऑफ द एज ऑफ इस्ला। ठीक है, एक है हमारे पास इस्ला, एक है इजाबेल। इसाबेल की एज 150% है, यानी कि अगर ये वाली वैल्यू मेरी 2 है तो ये उसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। सॉरी, अच्छा तो आगे क्या कह रहा है, द एज ऑफ इस्ला इज 8 इयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज टू सिस्टर, उस टोटल एज इज 60। क्या कह रहा है, इस्ला की जो एज है ना, वो अपनी दो सिस्टर्स जिनकी एवरेज, जिनकी टोटल एज 60 है, उनकी एवरेज से 8 इयर्स ज्यादा है, यानी कि एज ऑफ टोटल एज 60 आ गया दो सिस्टर का, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 60/2 यानी 30, 30 से 8 ज्यादा यानी कि 38, यानी इस्ला की एज 38 है। ठीक है, क्या कह रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ इस्ला एंड इजाबेल। अगर 2 की वैल्यू 38 है, 1 की 19 हो जाएगी, हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, डिफरेंस तो 1 ही है, यानी 19 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। एन एन नहीं आएगा, पहले ए आएगा। ठीक है, अ हॉकी टीम ऑफ 6 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। 8 मेल्स है और 4 फीमेल्स है, जिसमें से हमें 6 की टीम सिलेक्ट करनी है। कह रहे इन हाउ मैनी वे अ टीम कैन बी सिलेक्टेड इफ एटलीस्ट 3 फीमेल प्लेयर्स आर देयर। कह रहे कम से कम 3 फीमेल प्लेयर चाहिए, यानी कि 3 फीमेल प्लेयर चाहिए। चलो इस वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 4C3, ये आ गया 4C3। अगर 3 फीमेल हो जाएंगे तो मेल कितने होंगे, मेल भी 8C3 हो जाएंगे। प्लस एटलीस्ट बोला था, हम 3 की जगह 4 भी तो ले सकते हैं। ठीक है, इनटू 8C2, 4 से आगे नहीं ले सकते कि तो फीमेल है ही 4, तो इसको आप सोल्व कर लो क्या आएगा, 4C3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 8C3 तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 तक तो कट जाएगा, 8 × 7 56, और 50 ये आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये 1 आएगा, और ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 28। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 224 प्लस 28, यानी ये मेरी वैल्यू आ रही है 252। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब क्या कह रहा है, ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस अ पोल इन 33 सेकंड। अगर स्पीड उसकी 48 है तो कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कह रहा है उसने किसी पोल को 33 सेकंड में क्रॉस किया है, यानी उसने अपनी लेंथ ही ट्रेवल की होगी। ये तो आ गया स्पीड, डिस्टेंस कितना आ गया ट्रेन की अपनी लेंथ, जो कि मैं टी ले लेता हूँ, इक्वल टू 33। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 33 इंटू 48 इंटू 5/18। 6 यहां से उठाओ, 7 यहां से उठाओ, 3 यहां से उठाओ, ये 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 18 कट जाएगा। 8 × 5 = 40, ये क्या आ जाएगा, 440, यानी ट्रेन की लेंथ 440 आ गई मेरे पास। क्या कह रहा है, क्योंकि अगर उसको 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा, 520 इसमें ऐड कर दो, क्या आ गया 960। अच्छा 960 मीटर हो गया। अब स्पीड हमने निकाली है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 48 × 5/18 आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब कट कर दो, ये आ जाएगा 20 पे, ये 5 कट हो जाएगा 4 पे, 4 × 18 कितना आएगा, 72 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट 20% ऑफ द सम एट 6%। ठीक है, 25% उसने कितने पे इन्वेस्ट किया, 6% पे, यानी कितना आ गया मेरे पास, 150। कह रहा है एक साल के लिए किया ये, अब 1/5 कितना आता है, 20%, यानी 20% उसने कहा कितने पे किया, 8% पे, यानी ये कितना आ गया, 160। कह रहा है रिमेनिंग उसने 10% पे किया, रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग बचा 55, 45 कर दिया था, 10% पे कितना आ जाएगा, 550, ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 700, 700 ये कितना आ गया, 860। कह रहा है अगर आपको एक साल बाद हमारा जो इंटरेस्ट आएगा, अगर वो 860 है, तो व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट,
देखो इंटरेस्ट मेरा ये आ गया, यानी कि कितने की रेशो जा रही है, वन की रेशो जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑब्वियसली अगर वन की रेशो जा रही है तो मेरा आंसर इस ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10,000 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 इज आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी अगर 10,000 मुझे निकालना हो तो एक्चुअल में वैल्यू आई कैसे है, तो ये 25% है, ये 6% है, परसेंटेज रिमूव करके हम नीचे क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। दो बार 100 लगाओगे तो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, दो बार 100, ले रहा है, कट करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 10,000 आ जाएगी, ऐसे आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब क्या कह रहा है, देयर आर टू पाइप्स पी एंड क्यू, फोर किसी टैंक को साथ में अगर करेंगे तो 16 मिनट में फिल कर सकते हैं। कह रहा है इफ पाइप क्यू वाज क्लोज आफ्टर 12 मिनट्स, यानी कि साथ में जब भी काम स्टार्ट किया तो जो क्यू वाली पाइप है उसने 12 मिनट के बाद में काम करना बंद कर दिया, ये क्यू वाली ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। कह रहा है और जो सारा टैंक था वो 18 मिनट में फिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 मिनट लगे होंगे, जो कि पी ने अकेले फिल किया होगा, उससे पहले पी क्यू ने साथ में किया था, ठीक है। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप क्यू टू फिल द टैंक, कि वो अकेला इस काम को कितनी देर में करेगा ये फाइंड कर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पी और क्यू सारा काम कर सकते हैं 16 मिनट में, ठीक है, और उन्होंने साथ में किया कितने मिनट काम, सिर्फ 12 मिनट किया, फिर तो क्यू चला गया। यानी कि मान लो मेरे पास कोई काम है, एक काम है, अगर वो 16 मिनट में पूरा कर सकता हूँ तो 12 मिनट में मैं कितना काम करूंगा, 12 मिनट को डिवाइड कर दो, 12 16 कितना हो जाएगा, 3/4, यानी 12 मिनट में तो सिर्फ 3/4 ही काम होगा, तो बाकी का काम कितना बच गया, बाकी काम बच गया 1/4, 1/4 काम ये पी ने किया है, कितनी देर में किया है, 6 मिनट्स में किया है। अगर पी 1/4 काम 6 मिनट में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 मिनट में। पी का टाइम आ गया, मुझे अब क्यू का निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है, xy/(x-y), एक्स क्या है 16, वाई क्या है 24, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 2 16, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 48, यानी क्यू को कितना टाइम लगेगा, क्यू को 48 मिनट्स लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमें 100 दिया है। कह रहा है इफ अमिलिया ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 447, अमिलिया को 447 मार्क्स मिले हैं पहले 5 सब्जेक्ट में, कह रहा है अब वो 6th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए कि उसका एवरेज 88 हो जाए, ठीक है। 6th सब्जेक्ट में यानी 88 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से करोगे, यानी 48 और 4 कितना आ गया, 528, 528 को माइनस कर दो यहाँ से, यानी क्या आ जाएगा, 53 + 28 यानी कि 81 आ जाएगा, 81 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशो, इसकी रेशो मुझे क्या दी हुई है, 3:2। इफ 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, ये आप पे अगर 8 लीटर वाटर ऐड करता हूँ तो वो द रेशो क्या हो जाएगी, 15:4, ओ सॉरी 15:14। फाइंड द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ वाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखना, वाइन तो मैंने ऐड की नहीं है, तो वाइन की रेशो 3 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी 15 कर दो, कैसे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, अब 10 से 14 हो गया, यानी कि 4:8 की वैल्यू 8 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लीटर। मुझे फाइंड क्या करना था, वाइन फाइंड करनी थी, इनिशियल वाली, इनिशियल वाइन तो 15 थी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 लीटर, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जिसमें टोटल 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। कह रहा रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज 4:1, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड मुझे दी है 4:1। मुझे पता है अगर मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो क्या आएगा, ऐड करूंगा 5 आएगा, अपस्ट्रीम निकालनी है माइनस करूंगा 3 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ गया 5x, सॉरी 36 का तो ऑप्शन था, तो ये क्या आ गया 3x, ये क्या आ गया 5x, यहाँ पे प्लस का साइन। अब डिवाइड कर दो, क्या आ गया 10 = 12/x + 8/x,
एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, तो जहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू आ जाएगी। जो फाइंड क्या करना था, स्पीड ऑफ बोर्ड, स्पीड ऑफ बोर्ड की रेशियो क्या आती, फोर, यानी फोर इंटू टू, फोर इंटू टू कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। अब आ गए हम नंबर सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे सीरीज को, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वैल्यू बड़ी जल्दी इंक्रीज कर रही है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हाँ 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 1560, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे नंबर इतना नहीं बढ़ा, तो क्या कर सकता हूँ मैं, डिफरेंस निकालने का ट्राई करता हूँ कि डिफरेंस निकाल के क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 21, यहाँ पे आ गया 7 और 7 5 और 2 27, यहाँ पे कितना आ गया 26 और 7 33। ठीक है, अगर डबल डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 6 6 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 6 का गैप आएगा, यानी 39। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 146 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है इसमें। यहां पर भी नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 40 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा, 14 के बिल्कुल बीच में है, तो क्या 2.5 मल्टीप्लाई करूं, हाँ 2.5 मल्टीप्लाई करोगे तभी ये वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2.5। क्या इन दोनों को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं 2.5 से करूंगा तो 100 आएगा, तो क्या 3.5, हाँ 3.5 से करोगे फिर ये वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 5.5, यानी 630 × 5.5, क्या लिख सकते हो उसको, 11/2, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इधर 9 इधर 6 इधर 0 इधर, 2 नीचे आ गया, अब डिवाइड कर दो, यानी कि ये आ गया 3 4 6 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, पर इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 से यहाँ पे जा रहा है ड्रास्टिकली, तो उसके आगे ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम इसका डिफरेंस ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर लिख लू 4015527 21, अब यहाँ पे मुझे रॉन्ग नंबर फाइंड करना, तो पहले क्या करो डिफरेंस फाइंड कर लो, इनका डिफरेंस अगर देखूं तो कितने का आएगा, 121 का, यहाँ पे डिफरेंस देखो तो कितने का आएगा, 128 का, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का आएगा, 261 ना, तो ये कितने का आ गया, 150 का, यहाँ पे कितने का आएगा, ये आ गया 151 का, और यहाँ पे कितने का आ गया, यहाँ पे क्या गैप आ रहा है हमारा 71, ओ सॉरी 169। अब अगर मैं डबल डिफरेंस फाइंड करके देखूं, ये तो 7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 22 आ गया, ये 1 आ गया, और ये वाला आ गया 1, और ये 17 18 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक वैल्यू गलत लिख दिया, यहाँ पे 150 नहीं आएगा, ये एक्चुअली 140 आएगा। ठीक है, ये 140 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैप एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, ये गैप आ रहा है 12 का, ये आ रहा है 11 का, और ये आ रहा है हमारे पास 18 का। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हो सकता है 7 के बाद प्राइम नंबर का गैप चल रहा हो या ओड नंबर का, या तो ये 7 9 11 13 हो, अगर मैं प्राइम देखूं तो 7 11 13 और 17, ये वाला नंबर थोड़ा सा पास में हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, यानी कि अगर इस नंबर को मुझे 9 करना है तो 9 पहले ये वाला ट्राई करता हूँ, तो 7 11 13 वाला लग रहा है, अगर इसको मुझे 11 करना है
ये वाला नंबर 140 की जगह एक कम होना चाहिए, यानी 139। अगर ये 139 होगा तो गैप निकाल के कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 400। ठीक है, चलो अब ये नंबर 139 आ गया, 139 और 151 में डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है आपका, सॉरी 130, यहाँ पे 150 पर नहीं आएगा ना। अब अगर मैंने ये वैल्यू 400 ले ली है तो यहाँ पे गैप कितने का आ गया, 152 का। तो यहाँ पे ये गैप कितने का आ रहा है, 139.52 में 13 का। ठीक है, यानी कि 13 ये वैल्यू बन रही है। अब अगर ये 152 है तो यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 17 का, आगे भी बन रही है, यानी कि यहाँ पे 400 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 401, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, इसकी जगह 400 आएगा। ठीक है, आगे देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी नंबर मुझे क्या लग रहा है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा, जो भी आ रहा है डिफरेंस ही आ रहा है। तो डिफरेंस लेके देख लो क्या पहले क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये आ रहा है 53 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से 59 का। ठीक है, तो ये भी शायद प्राइम नंबर ही चल रहा है। उसके बाद में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 61 का। उसके बाद में 61 का गैप आ रहा है। देन अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, तो ये क्या हो गया 58, 58 और 7 क्या कहते हैं 65, ये गड़बड़ हो गई। 67 तो प्राइम नंबर है नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में 67 की जगह क्या आना चाहिए था, 65 की जगह क्या आना चाहिए था, 67 आना चाहिए था। 65 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद में अगर क्या गैप आना चाहिए, उसके बाद में मेरे ख्याल से आना चाहिए 71। ठीक है, अगर यहाँ पे 67 का गैप होगा तो ये 343 हो जाएगा, सॉरी 344 हो जाएगा। तो इन दोनों का गैप कितना है, 71 का, सॉरी वैल्यू कम करनी है ना, ये 3440 हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों का गैप कितना है, 71 का, यानी यही ऑप्शन मेरा सही है, यानी कि 342 की जगह 340 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अब यहीं तक थे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू एवरीवन।